दोस्तों, आपने अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंडों का नाम तो सुना होगा। अंतरिक्ष में करोड़ों छोटे बड़े एस्टेरॉयड मौजूद होते हैं जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट में रहकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। इनमें से कई ऐसे छोटे एस्टेरॉयड हैं जो पृथ्वी के अक्ष में आते ही आग का रूप लेकर नष्ट हो जाते हैं और कई छोटे एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिर भी जाते हैं। इनका आकार छोटा होने के कारण हमारी पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन जो बड़े एस्टेरॉयड होते हैं वो पृथ्वी के लिए काल बनकर लाखों किलोमीटर की रफ्तार से हमारी पृथ्वी की तरफ आते हैं। ऐसा ही एक विशाल एस्टेरॉयड लाखों किलोमीटर दूर से हमारी पृथ्वी की तरफ तेज रफ्तार से आ रहा है। इस विशालकाय उल्कापिंड से हमें क्या खतरा है? आज की इस वीडियो में हम पृथ्वी की तरफ तेज रफ्तार से आ रहे महाविनाशक उल्कापिंड की बात करेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि इस एस्टेरॉयड से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों की ऑफिशियल वेबसाइट से यह जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस एस्टेरॉयड के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के मुताबिक एक विशालकाय उल्कापिंड जो लगभग 300 मीटर के आकार का है, वो उल्कापिंड पृथ्वी की तरफ तेज रफ्तार से आ रहा है। अगर इस उल्कापिंड की रफ्तार की बात की जाए तो यह एस्टेरॉयड 33,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है, जो कि 22 सितंबर तक हमारी पृथ्वी के सबसे करीब पहुंच जाएगा। हम जितने समय में पलके भी नहीं झपका पाते, उतने समय में तो यह एस्टेरॉयड 7 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है। इस एस्टेरॉयड की रफ्तार ही किसी छोटे ग्रह को तबाह करने के लिए काफी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर यह एस्टेरॉयड किसी ग्रह से टकराएगा तो उस ग्रह का क्या हाल होगा। दोस्तों, अगर इस एस्टेरॉयड से पृथ्वी को होने वाले खतरे की बात की जाए तो पता चलता है कि इस एस्टेरॉयड से हमारी पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी से निकल जाएगा, इसलिए दोस्तों डरने की बात नहीं है, यह एस्टेरॉयड हमारी पृथ्वी से नहीं टकराएगा।